में कोई ऐसा बहुत बड़ा विवाद नहीं हुआ है। ये सही बात है कि जब इस तरह की मीटिंग होती है तो मुख्यमंत्री कहाँ बैठेंगे, मंत्री कहाँ बैठेंगे, राज्य मंत्री कहाँ बैठेंगे, आमदार खासदार कहाँ बैठेंगे, ये पूरी तरह से साफ तरीके से नेम प्लेट्स लगी हुई होती है। लेकिन हमारे पूर्व खासदार साहब, जिन्हें अभी भी मतलब एक आदत सी पड़ गई है 20 सालों से एक जगह बैठने की, तो वो आदत उनकी छूटी नहीं है। वो मेरी कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ गए थे और मैं बहुत दूर जाकर बैठा हुआ था। मुझे इतना मायने नहीं रखता है कि मैं कौन सी कुर्सी के ऊपर बैठूंगा, मुझे मुद्दे मायने के लगते थे और जो मुद्दे मैंने उठाया है वो मुख्यमंत्री साहब ने उसको एक्सेप्ट किया है, वो बड़ी बात है। कुर्सी कौन कहाँ पे है, मैं कुर्सी के पीछे भागता नहीं हूँ, इसलिए मुझे कुर्सी मिली है। देखिए, एक बहुत अहम मुद्दा जो था, मैंने मुख्यमंत्री साहब को यह कहा कि अगर जिला परिषद के बच्चे सिर्फ अगर गरीब बच्चे हैं तो उनको आप टीन के शेड के नीचे, इमारतें इतनी खराब है, वहां पे टॉयलेट्स नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, तो उनको बेहतर बनाने के लिए आपको फैसला करना पड़ेगा। सीएसआर फंड जो होता है वो कंपल्सरीली स्कूल के, जिला परिषद के जितने भी जिले के स्कूल्स है उनके इमारतों को बेहतर बनाने के लिए। तो सेक्रेटरी ने बताया कि औरंगाबाद जिले के अंदर करीब 300 ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी इमारतें बहुत खराब है, निजामकालीन टाइम का है, टॉयलेट्स नहीं है, ये नहीं है, तो उसके लिए जो फंड्स इकट्ठा करने का है वो फंड्स हमने कहा कि सीएसआर फंड में से ले लीजिएगा या कोई भी दूसरा फंड लेके एक बात तय कर लीजिएगा कि कोई भी स्कूल जिला परिषद की टीम के शेड के नीचे है तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं करके। ये एक मुद्दा ले लिया। हमने कहा कि औरंगाबाद से शिरडी जाने के लिए जो रास्ता है, इतने श्रद्धालु वहां पे जाते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आप जल्द से जल्द फैसला, वो उन्होंने माना है। घाटी के हॉस्पिटल के अंदर जो कमियां है उसके लिए पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट उन्होंने मंगाई है और एक विशेष बैठक उसके लिए लेने वाले है। औरंगाबाद में जो 200 बेड का हॉस्पिटल, वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का निर्णय लिया गया था, सरकार को यह बताया गया कि इसका अप्रूवल मिल गया है, इसका हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दे दिए है, लेकिन पैसा नहीं दिए है। तो अब वो पैसा देने के लिए 112 करोड़ रुपए की कुछ उन्होंने मांग रखी है, तो सेक्रेटरी ने कहा है कि हम इसके ऊपर है तो प्रस्ताव सरकार के पास देंगे और मुख्यमंत्री साहब ने आश्वासन दिया है कि वो 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए भी वो पैसा देंगे। देखिए, पानी पुरोठा योजना के बारे में यही बात थी कि पिछले 5 सालों से औरंगाबाद में जो पानी की समस्या है वो वैसी की वैसी इसलिए थी क्योंकि महानगर पालिका के जो पदाधिकारी है वो चाह रहे थे कि ये कई हजार और कई 100 करोड़ रुपए की जो स्कीम है वो हम खुद करेंगे। और अब जब ये 1650 करोड़ रुपए की स्कीम आई तो ये तय था कि ये स्कीम MJP के ही जरिए कराई जाएगी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जरिए। लेकिन कल रात में सेना के पदाधिकारियों ने एक नोट सर्कुलेट किया और ये मांग की कि MJP सक्षम नहीं है, ये स्कीम हमने ही चलाना चाहिए। हमने इसका विरोध किया और ये स्कीम अब सरकार ने ये तय किया है कि ये MJP के ही जरिए कराई जाएगी। तो बहुत मुमकिन है कि इसका कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू होगी और 1 साल 1.5 साल के अंदर औरंगाबाद की जो कई सालों की पानी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है लेकिन अभी भी वो औरंगाबाद नहीं, संभाजी नगर का। देखिए, बार बार वहाँ पर जितने भी लोग थे और इत्तेफाक से मेरे बाजू खैरे साहब भी बैठे हुए थे और मैं जब औरंगाबाद का जिक्र कर रहा था और मुझे बीच बीच में टोक रहे थे संभाजी नगर भूलो करके, शायद यही वजह है कि औरंगाबाद और संभाजी नगर का ये मुद्दा था। तो लोगों ने कहा कि आप काम की बात करिएगा, ये मुद्दे इतने मायने नहीं रखते हैं। इस वजह से वहां पर अभी औरंगाबाद होने के बावजूद भी अगर इसको संभाजीनगर बोल के वो संबोधित कर रहे हैं तो ये इनकी पार्टी की लाइन है। अब सरकार उनकी है, वो जिस नाम से पुकारना चाहे, लेकिन हमारे लिए तो ये औरंगाबाद ही है। थैंक यू।